हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 2000 या 1500 रुपए में फुल्ली मोनेटाइज चैनल खरीदना चाहोगे? इंटरेस्टेड हो सकता है मे बी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और खरीदना चाहेंगे, पैसे खुशी खुशी देना चाहेंगे। तो ऐसा ही कुछ स्कैम टाइप से यूट्यूब पे चल रहा है, उसी के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। यूट्यूबर हो, ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना देखना चाहिए आपको, बच जाओगे कसम से। क्योंकि मेरी रीच पूरी दुनिया तक नहीं है भाई, लेकिन जिन 100 लोगों तक है उनमें से भी अगर मैं 2-3 को भी बचा पाया तो ये अच्छा होगा मेरे लिए, वीडियो बनाने का मतलब निकल जाएगा, एक को भी बचा पाया तो। इसलिए ध्यान से देखो क्या सीन हो रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। अभी एक दो ऐसी वीडियो मेरे सामने आई है जिसमें कि ऐसी ऑडियंस को टारगेट करा जा रहा है ऐसे कीवर्ड्स के थ्रू जो कि YouTube चैनल ग्रोथ, YouTube चैनल पे कैसे ग्रो करें, इन सब चीज़ों पे सर्च करती है। तो वो जो भी वीडियो एड्स है वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक दिखाई जाती है। तो उसमें क्या सीन रहता है, उसके अंदर की कोई मैम है वो समझाती रहती है आपको कि इस तरीके से आप YouTube चैनल पे काम करके थक चुके हो, इस तरीके से अगर आपको कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो ऑलरेडी मोनेटाइज हो, जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़े बस, तो क्या आप उसे लेना चाहोगे? खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है। अब पहली बात तो पैसा लेके कुछ दिया ही नहीं जाएगा, पहली बात तो यही है, वो स्कैम है। लेकिन मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी उसके ऊपर। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा चैनल दिया भी जाता है तो क्या आपको खरीदना चाहिए, इस पर मैं मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा। सीधी सिंपल सी बात है भाई, देखो मेरे 7000 कुछ सब्सक्राइबर है, मैं मेरा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, आपको बोलता हूँ कि आप इस पर वीडियो डालो, क्या आप मेरे को जो 100 लोग देखते हैं इनको कंटिन्यू लेकर चल पाओगे? आई थिंक नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि इस पर जो ऑडियंस है ना भाई, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे से कनेक्टेड है। मैं मानता हूँ मेरे कंटेंट के थ्रू आई है, लेकिन मेरे से कनेक्टेड है वो। अगर इस पर कोई और वीडियो डालेगा तो मे बी वो ना देखे। ऐसे बहुत सारे चैनल आपने पास में देखे होंगे जिनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे और वो चैनल बेचे गए, लेकिन जब बेचे गए तो उन पर अब 1000, 1500, 1900 व्यू जाते। 2-3 चैनल तो ऐसे मैं भी जानता हूँ जो 2018 में मैं देखा करता था और अब भी उन पर कोई और वीडियो बनाता है, लेकिन उस पर उस तरीके का व्यूज नहीं आते जैसे पहले आया करते थे। तो यही सब सीन है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी पब्लिक है उस चैनल की, उस चैनल के ओनर के थ्रू आई हुई होती है यार, किसी वीडियो के थ्रू आई हुई होती है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। बिल्कुल मेरी सीधी स्ट्रेट राय यही है, आपको कोई ऐसा चैनल नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन फ्यूचर आपके सामने कोई ऐसी ऐड आती है तो आप उसे इग्नोर करें। तो बस यही समझाना था मुझे। अगर अभी तक नहीं आया कोई ऐसा वीडियो आपके सामने तो मे बी हो सकता है इन फ्यूचर आ जाएगा, क्योंकि आप भी यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट देखना ही पसंद करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते रहेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब भी और बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा एक दो दिन में आपके लिए। तब तक ट्रेन आ चुकी है, मैं चलता हूँ ट्रेन में बैठ के, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में आपसे।